सचित्त विरुद्धम, अथवा जो ज्ञानी इनका सेवन नहीं करता, क्योंकि उसको ज्ञान है इसलिए नहीं कर रहा सेवन। एक त्याग ऐसा होता है जो प्रभाववश होता है और एक त्याग ऐसा होता है जो विवेकवश होता है। तो यहाँ पर ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। जैसे नवोपचार विधि में भी 360 क्रमांक गाथा में कार्तिक अनुपेक्षा में यही लिखा था कि तीनों पात्रों की नवोपचार विधि जो ज्ञानी करता है और स्वयं दान देता है, सात गुणों से सहित होकर के दान देता है, वह अतिथि संविभाग वृत्ति होता है। तीनों पात्रों की नवोपचार विधि ये गाथा इसमें भी थी। जैसे वसुनंदी श्रावकाचार अपन पढ़ रहे हैं उसमें 234 क्रमांक गाथा थी, तीनों पात्रों की नवोपचार विधि। नवोपचार विधि को वर्तमान की भाषा में नवदा भक्ति कहते हैं। अभी हमने पढ़ा नहीं कहीं शास्त्र में मूल प्राकृत या संस्कृत पंक्तियों में कहीं नवदा भक्ति शब्द हमने नहीं पढ़ा है। उसको नव पुण्य कहा है, फिर नवोपचार विधि भी कहा है और केवल दान विधि भी कहा है। दान विधि, दान विधान, नवोपचार विधि और नव पुण्य, ये चार शब्द तो अपने सामने उपलब्ध है शास्त्रों में। नवदा भक्ति बोलचाल में चल रही, नवदा भक्ति शब्द जो मूलतः रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका प्रयोग किया हुआ, और वो भक्ति को लेकर के एक अलग ही विषय है, उसका आहार दान से संबंध नहीं है, वो भक्ति से संबंधित विषय है। तो कह रहे हैं कि छल्ली मूलम किसलयम बीयम च, च शब्द से और भी जो भी वनस्पति की जो भी वस्तु हो जिसका भोजन में ग्रहण, जिसको भोजन में ग्रहण किया जाता है, वो सब ले लेना। तो इनको जो नाणी सचित्तम नय भक्खति, सचित रूप से भक्षण नहीं करता, उसका सचित रूप से सेवन नहीं करता, यानी जब तक उसमें वनस्पति का एक जीव है तब तक उसका वो सेवन नहीं करता। सचित विरदो हवे सूर, वह सचित विरत नाम का श्रावक होता है, यानी उसका पांचवा स्थान होता है। अब इसकी टीका में प्रासुकं कतिधेत्युच्यते, प्रासुक के कितने भेद हैं ऐसा पूछने पर टीकाकार आचार्य कह रहे हैं कि हाँ कहा जाता है, उस सूत्र को भी कहा जाता है कि प्रासुक के कितने भेद होते हैं। सुनो, तत्तम पक्कम सुक्कम अम्बिल रवणी मीसियम दव्वम जमजन तेणय छिन्नम तम सव्वम पासुयम भणियम। तपा हुआ दव्वम, तपा हुआ जो द्रव्य है वह प्रासुक कहा गया है। अब तपी हुई क्या चीज रहती है? जिन चीजों को फेंका जाता है ना, जैसे सूरत में ज्वार की पोक होती, पोक, और अन्यत्र बाकी सब जगह मकई को भी भुट्टे को भी सेका जाता है, बुंदेलखंड में भुंटा बोलते हैं, मेज कॉर्न, वो जो वो तपाया जाता है, सेका जाता है, पकाया नहीं जाता, वो प्रासुक कहा गया है। और फिर पक्कम, पकी हुई वस्तु भी प्रासुक होती है, जैसे आम है। अब पकी हुई वस्तु दो प्रकार की होती, श्रावकाचार संग्रह में एक स्थान पर ऐसा उल्लेख है कि अग्नि पक्व और काल पक्व, पक्व के ऐसे दो भेद हैं। तो अग्नि पक्व का तो अर्थ सबको मालूम ही है, जितना भी भोजन अग्नि पर पकाया जाता है बर्तन में डाल करके, जो भी विधियां हैं पकाने की, उस विधि से जितना भोजन पकाया जाता है सब प्रासुक है।
तो ककड़ी अगर आप किसी वनस्पति से पृथक करके एकदम फ्रेश ककड़ी लेकर के आओगे तो उसमें तो उसके प्रदेश पाए जाएंगे उस पौधे के। प्रत्येक वनस्पति है कि नहीं, तो प्रत्येक वनस्पति के प्रदेश उस वस्तु में कुछ काल पर्यंत पाए जाएंगे। एक धारणा ऐसी भी है कि पौधे से पृथक होने के बाद वस्तु अचित हो जाती है, उसमें वनस्पति का एक जीव नहीं रहता। पर इस धारणा में थोड़ा सा अपन विचार करके देखें तो यदि वनस्पति से पृथक की हुई हर वस्तु, चाहे पत्ता हो, फल हो, पुष्प हो, कोई भी हो, पृथक करने मात्र से तत्काल यदि वो अचित हो जाती है, तो फिर दो स्थानों पर आगम में अपने को थोड़ा सा अड़चन आएगी। देखो कौन से दो स्थान है। एक तो स्थान ये है कि जो अपन अभी पढ़ करके आए थे पुरुषोपवास, तो उसमें आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है कि उपवास के दिन आपको प्रासुक द्रव्यों से पूजा करना है। एक बात, तो अगर पौधे से अलग की हुई वस्तु सब प्रासुक हो जाए तो फिर उन द्रव्यों से पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन क्या ऐसा मानना सही होगा, ये प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अतिथि संविभाग व्रत के जो पांच अतिचार बताए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि सचित्त पद्मपत्रादौ निक्षिप्तम वस्तु द्रव्यम सचित्त निक्षेप इत्युच्यते। ये पांच अतिचार है आहार दान के। उसमें एक अतिचार ये है कि कमल के पत्ते आदि पर रखे हुए भोजन सामग्री अगर आप साधु को देते हैं और वो पत्ता अगर सचित्त है तो देने वाले को दोष लगते हैं, अतिथि संविभाग व्रती को दोष लगता है कि उसने सचित्त पत्ते के ऊपर रखे हुए भोजन को साधु को दिया। तो अपनी चर्चा क्या चल रही थी कि जो मूल वनस्पति है उससे कोई भी चीज अलग कर लो वो अगर अचित हो जाती है तो ये अतिचार बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा श्रावक नहीं होगा जो तालाब के पत्तों पर, जो वनस्पति से जुड़े हुए पत्ते हैं उन पर भोजन रखकर साधु को आहार कराता हूं। कोई कभी हो ही नहीं सकता। पत्ता लेकर चौके में आएगा और उस पर रखेगा भोजन। वो पद्म पत्रादौ का मतलब केवल कमल का पत्ता नहीं है, वो केले के पत्ते पर भी रखा जाता है भोजन, और उसमें कोई जैनत्व भंग नहीं हो जाता। जब इसको व्रती के लिए अतिचार बता रहा है तो जिन्होंने एक भी हिंसा का त्याग नहीं किया, झूठ का त्याग नहीं किया, चोरी कुशील परिग्रह किसी का त्याग नहीं किया, अविरत है, उसको इस पर बोलने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं। चर्चा ये चल रही है कि पौधे से अलग हुई वस्तु यदि तत्काल अचित हो जाती तो सचित्त निक्षेप नाम का अतिचार कैसे संभव होता। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये विषय। और दूसरे ताजे पत्ते पर नहीं देना महाराज जी, ताजा ताजा पत्ते पर, जो जिसमें उसके आत्म प्रदेश है अभी, जिसमें अभी वनस्पति का एक जीव के आत्म प्रदेश है उस पत्ते पर रखा हुआ भोजन साधु को नहीं देना है, इतनी सी बात है। तो चर्चा ये चल रही थी कि पेड़ से कोई भी चीज अलग हो जाती है वो तुरंत उसके आत्म प्रदेशों से रहित नहीं होती। इसका उदाहरण देखिए ना, छिपकली की पूंछ अगर मान लो अलग हो जाती है उसके शरीर से तो कितनी देर तक के वो हिलते रहती है, फड़फड़ाते रहती है, 5-10 मिनट तक हो जाती है, नहीं ज्यादा हो जाती है, काफी देर तक होती है महाराज जी, बहुत देर तक होती है। और वो किर्लियन फोटोग्राफी वाले कैमरा से फोटो खींचो ना तो पूंछ और छिपकली तक के प्रकाश की रेखा दिखती है। और ये
तो छिपकली का ही प्रदेश उस पूछ में है अभी, जो हिल रहा है, पूछ हिल रही है ना, उसमें छिपकली के आत्म प्रदेश फैले हुए। इसी तरह वनस्पतियों में भी होता है, आप कोई ऐसे खींच करके तोड़ करके लाओ वहां से जो अभी पक्व नहीं है, और आपने उसको तोड़ करके अलग कर दिया, तो वो प्रदेश उस वनस्पति के चलते रहते हैं उसके साथ एक काल विशेष तक, एक काल पर्यंत वो प्रदेश उससे जुड़े रहते हैं। उसको आप कितनी भी दूर ले जाओ, आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेश उतने फैल जाएंगे और वो वेदना समुद्घात चलता रहेगा उसका। जिस वनस्पति से वो चीज अलग हुई है तो उसको कुछ किंचित वेदना तो होगी, एक इंद्रिय जीव है तो उसको अपनी भूमिका के योग्य जो वेदना होगी वो वेदना चलती रहेगी। तो हमारे कहने का केवल इतना अभिप्राय था कि पेड़ से कोई भी चीज अलग कर दो तो उसको आप ये मत समझ लेना कि अचित हो गई। आप कहोगे कि नहीं वो पेड़ से तो अलग हो गई, पेड़ था वो तो एक प्रतिष्ठित, प्रत्येक वनस्पति तो वो पेड़ था या पौधा था, और ये फूल तो उसी पर खिला था पेड़ पर, तो उस पेड़ के ही एक ही जीव के आत्म प्रदेश सब में व्याप्त थे। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रत्येक वनस्पति की यही परिभाषा शास्त्रों में आई है, और अपन तर्कों से या किसी और उपाय से अन्य परिभाषा बनाने जाते हैं तो प्रत्येक पने का लक्षण दूषित हो जाता है। प्रत्येक का अर्थ क्या होता है, एकम प्रतिवर्तते इति प्रत्येकम, एक शरीर में एक जीव हो तब उसको प्रत्येक कह सकते हो आप। अगर आप फूल के जीव को अलग मानोगे, फूल की पंखुड़ी के जीव को अलग मानोगे, पत्ते के जीव को अलग मानोगे, शाखा के जीव को अलग मानोगे, मूल के जीव को अलग मानोगे, तो फिर प्रत्येक कहाँ रहे, एक कहाँ रहा उसमें जीव, कितने सारे जीव हो गए वो, तो वो लक्षण का व्याघात होता है। इसलिए प्रत्येक वनस्पति वही है जिसका स्वामी एक है, शरीर भी एक है। ये जरूर है कि उस प्रत्येक वनस्पति में जहां नए नवीन कोंपल निकलते हैं या और कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, वहां बादर निगोदिया जीवों की प्रतिष्ठा पाई जाती है। तो उस वनस्पति का वो वाला भाग जिसमें रेशे नहीं बने हैं, जो संभंग को प्राप्त हो जाता है, वो वाला भाग सब प्रतिष्ठित प्रत्येक के रहा, माने उसमें इस वनस्पति का जीव तो है ही है, लेकिन साथ में बादर निगोदिया जीवों की भी प्रतिष्ठा है, वो भी वहां पर अवस्थित हो गए हैं, तो वो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक उसका तो निषेध है, वो तो श्रावकों के लिए वर्जित है। पांच प्रकार के जो अभक्षित है उनकी श्रेणी में उनको रखा गया, कल भी अपन ने पढ़ा था, तो वो तो उसको तो लेने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो एक जीव है पूरे पेड़ का, उसको अपन ले रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मांस खाने में भी जान जाती है और ये शाकाहार करने में भी जान जाती है जीवों की, तो इस विचारधारा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि शाकाहार करने पर जान कहां जाती है, सिद्धांत के अनुसार और विज्ञान के अनुसार भी। शाकाहार करने पर जितना हिस्सा आपने लिया है वहां से उतना ही तो लिया है ना, उस पेड़ का सर्वनाश किया क्या आपने, तो पेड़ तो जिंदा है, तो कहां जान गई, उतना हिस्सा लिया आपने, उसके जीव का घात नहीं किया, उसको किंचित बाधा तो पहुंची। ये तो क्या है कि संसार का ऐसा नियम है कि जब तक शुद्धोपयोग नहीं होता तब तक प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमत्त योग पूर्वक या फिर प्रमत्त योग के अभाव में विराधना होती है। श्वासोच्छ्वास जो चलती है तो उसमें अप्रमत्त मुनियों के द्वारा भी वायुकायिक जीवों का घात होता है, तो घात को विराधना कहते हैं। विराधना दो प्रकार की होती है, एक हिंसा से रहित विराधना और दूसरी हिंसा रूप विराधना। तो वहां पर आचार्य महाराज ने, एक अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में इसकी बड़ी अच्छी चर्चा की, जले जंतु स्थले जंतु आकाशे जंतु रेवच जंतु माला कुले लोके
कथम भिक्षुर अहिंसक, जल में भी जंतु है, स्थल में भी जंतु है, आकाश में भी जीव जंतु है। तो जब ये सारा जगत जंतुओं से भरा है तो फिर साधु, जैन साधु अहिंसक कैसे हो सकते हैं? तो ये बात बड़े महत्व की है कि जैनिज्म में, जैन दर्शन में, जैन धर्म में जीवों के घात को हिंसा नहीं कहा है। अभिप्राय पूर्वक, कषाय पूर्वक, और कषाय पूर्वक का अर्थ सामान्य कषाय नहीं, दशमे गुणस्थान वाले कषाय नहीं, तीव्र कषाय पूर्वक, जिसको कि उन्होंने कई शब्दों का प्रयोग किया। हम आपको बताते हैं, जैनाचार्य ने उस कषाय को तत्वार्थ सूत्र में प्रमत्य योग कहा, पुरुषार्थ सिद्धोपाय में कषाय योग कहा, और उसी पुरुषार्थ सिद्धोपाय में उन्होंने रागादिकों का आवेश कहा, उसे राग और द्वेष का आवेश, इसका नाम कषाय योग है। तो कषाय योग का अर्थ कषाय का उदय मात्र नहीं है, आवेश तीव्र राग और द्वेष को कहते हैं, आवेश सामान्य कषाय को नहीं कहते। जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा आवेश नहीं है, और उस प्रोग्राम में कोई उठ करके मारपीट करने लग जाए तो वो आवेश है, या फिर अंदर कोई ऐसा विचार कर ले, वो बहुत तीव्र कषाय वाला विषय वो विचार कर ले तो वैचारिक हिंसा हो गई, तो उस आवेश को हिंसा करे। फिर आवेश अगर आ गया तो फिर द्रव्य हिंसा बाहर हो या ना हो, आवेश अपने आप में हिंसा पर्याप्त है। तो इस तरह से ये कथन है, दरबार खोल दीजिए, क्यों बंद किया? कौन से तो हवा, ये बंद कर दीजिए, हवा क्रॉस होगी ना तब ठंड आएगी, इसको आप लगा सकते हैं देख करके। तो जैनिज्म की जो नॉन वायलेंस की थ्योरी है, थ्योरी नहीं कहना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट कहना चाहिए, क्योंकि थ्योरी जो है वो कर्म और जीव सिद्धांत ही है, वो हिंसा अहिंसा कोई थ्योरी नहीं है, हिंसा और अहिंसा कॉन्सेप्ट। अपन बोलते हैं ना जैनिज्म का क्या सिद्धांत, बोलते हैं अहिंसा सिद्धांत, अहिंसा कोई सिद्धांत थोड़ी है, जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत सिद्धांत है, अहिंसा तो एक शैली है, आचरण पद्धति है। अहिंसा लक्षणो धर्म सर्वार्थ सिद्ध में लिखा है नवे अध्याय में, तो अहिंसा धर्म का लक्षण होता है, अहिंसा को सिद्धांत नहीं कहा। तो तपा हुआ जो कोई भी पदार्थ होता है वो अचित होता है, प्रासुक होता है। फिर दूसरा पका हुआ, पके हुए में दो भेद कर रहे थे, एक तो अग्निपक्व होता है, आग पर पका हुआ, और दूसरा कालपक्व होता है। कालपक्व में पुष्प, पत्र और फल, ये सभी आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आम का फल था, पेड़ पर उगा था तब एकदम छोटी सी केरी थी, उसके अंदर जाली भी नहीं बनी थी, फिर लगा रहा हुआ तो लगे लगे ही उसको आम के वृक्ष से भोजन भी मिलता रहा, और वो बढ़ता गया बढ़ता गया, और पूर्ण आकृति को प्राप्त होने के बाद उसमें पक्वता आने लगी, और जब वो पक्व हो गया तो उसका जो डंठल था
वो अब जर्जरित होने लगा, क्षीण होने लगा और ऐसी स्थिति बन गई कि वृक्ष स्वयं उसको छोड़ने की स्थिति में आ गया। और ऐसे आम, पके हुए आम हवा चलने पर या और किसी निमित्त से पेड़ हिल जाने पर, मान लो बंदर उस पेड़ शाखा पर छलांग लगा दे तो वो गिरने की स्थिति में आ जाता। तो वो जब उसके डंडल से उस वृक्ष से पहुंचने वाला जो पोषण था वो पहुंचना रुक जाता है, तभी आत्म प्रदेश जो होते हैं उसमें से सिमट जाता है, उसमें नहीं रहता आत्म प्रदेश। और आत्म प्रदेश न रहने से उस आम के पके हुए फल को वनस्पति कायिक नहीं कह सकते, वनस्पति काय कहते हैं। ये कालपक्व का उदाहरण था, व्यवस्थित समझ में आ गया ना। इसी तरह पुष्प के साथ भी होता है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जैसे पारिजात, आप देखिएगा शाम को आप देखना पेड़ में एकदम सब लगे हुए हैं पूरे, और सवेरे देखना पूरी धरती पर पूरे फूलों की बिछौना बन गया है। वो क्या है? वो प्रकृति से, उस वनस्पति से पृथक हुए हैं, तो वो कालपक्व है। इसी तरह पत्ते होते हैं, झड़ जाते हैं, वो पककर के ही झड़ते हैं, कच्चे पक्के नहीं, कच्चे पत्ते नहीं झड़ते। तो कच्चे पत्ते जो होते हैं वो सचित्र होते हैं, और झड़े हुए जो पत्ते होते हैं जैसे नीम के पेड़ के नीचे से निकल रहे हैं, तो बहुत सारे नीम के पुष्प गिरे हुए हैं। उन पुष्पों के आश्रित जीवों का होना अलग बात है, वो पुष्प स्वयं में वनस्पति का एक जीव नहीं है, ये समझने की बात है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो काल पक्व होकर उस वनस्पति से पृथक हुए। जब तक कोई भी वस्तु काल पक्व नहीं होती तब तक वनस्पति से वो पृथक नहीं होती है, उससे जुड़ी रहती है, उसमें तंतु भी जुड़े रहते हैं, उसमें पोषण भी जुड़ा रहता है, खास चीज तो पोषण है। फिर जब परिपक्व हो जाता है, काल पक्व हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वो पुष्प अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके कुछ हिस्सा जो वहां पर रह गया उसकी पंखुड़ियां अलग हो जाएगी, लेकिन वहां जो फल बनने वाला है उसी पुष्प के माध्यम से वो फल बन रहा है, तो उसकी पंखुड़ियां अलग हो जाएगी, लेकिन वो फल जो है वहां पर ऊपर तैयार हो जाएगा अपने समय पर। फिर वो फल भी जब पक्व होगा तो डंठल से उसका पोषण भी रुक जाएगा। देखिए, पुष्प की पंखुड़ियों का पोषण पहले होगा, वो पंखुड़ियां गिर गई, फिर वो जो फल बना उसका पोषण जब रुकेगा तब वो पक करके वो फल अलग हो जाएगा। ऐसा रहता है वनस्पतियों का। तो ये पहचान शास्त्रों में नहीं आई कि जो भी वनस्पतियां गीली हैं वो सचित्र है। इसलिए यदि किसी की भी ये धारणा हो कि गीली वनस्पति का अर्थ सचित्र वनस्पति है, वो इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं अपनी धारणा में। अगर उनके अंतरात्मा का है तो संशोधन भी कर सकते हैं। आगम तो आपके सामने है। और आप एक चीज और भी देख सकते हैं, विज्ञान से अगर आपको परीक्षा करनी हो तो फिर बॉटनी के लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे, तो उसमें आप पके हुए आम के एक स्लाइड के ऊपर उसके कुछ अंश ले लेना और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा करके उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप को आप सेट करके फोकस करना उस पर, आप देख लेना उसमें लिविंग सेल्स है या डेड सेल्स। और फिर वो जो वनस्पति में जुड़े हुए जो पत्ते और फिर वो है, अब ये चीज कहने का हमें अधिकार नहीं है क्योंकि कहने से भी वाचनिक विराधना होगी, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि उनकी जांच करने पर उनमें आपको जीवित कोशिकाएं मिलेंगी। और एक बात और, वो पत्ता आप कुछ घंटों तक पड़े रहने दो, जब वो कुमला जाएगा फिर आप उसकी जांच करोगे तो वो अचित निकलेगा। तो इससे स्पष्ट हुआ कि वनस्पति से सचित अवस्था में पृथक किया हुआ उसका कोई भी अंश, पत्ता, पुष्प या कोई भी अंश, वो एक काल की अवधि पार करके
स्वयमेव अचित हो जाता है, वो चाहे पुष्प हो या कोई भी वस्तु हो। वो माली लोग, बागवान लोग पुष्प लेकर के आते हैं और फिर वहां बाजार में बैठ करके कितनी मालाएं गूंथते हैं और जो कुछ उनको करना होता है वो करते हैं। फिर उसको जब वो ग्राहक उनसे लेता है, क्रय करता है, वो विक्रय करता है, तो लाते लाते जब वो अर्चना में इस पुष्प को इस प्रयोग में लाता है, तब तक वो पुष्प सचित हो सकता है यदि पर्याप्त कालावधि व्यतीत हो चुकी हो तो। तो इसलिए अगर कहीं भी आपको पुष्प दिखे तो ये मत समझना कि ये सचित ही है, क्योंकि एक तो आपके पास वो ज्ञान नहीं है निर्णय करने का कि कौन सी वस्तु सचित है और कौन सी अचित है। केवल आगम से आप ये सब बातें जान रहे हैं, जितनी बातें अपन ने अभी समझी है वो आगम से समझी है, और विज्ञान से तो वहां पर लैब में जांच करने के बाद समझ में आता है, पर आगम से ये बात स्पष्ट होती है कि ऐसी स्थिति बनती है। और एक वो टेक्निक भी है, एडवांस डिजिटल ऑरा स्कैनिंग की भी एक टेक्निक होती है, एक क्लियन फोटोग्राफी भी होती है। तो इन यंत्रों से भी पता चलता है कि उसमें जान है या नहीं है। तो इसलिए सचित और अचित का जो गणित है वो बहुत सुगम नहीं है, बहुत सरल नहीं है कि अपन तत्काल बोल दे कि अरे तुम क्या सचित से पूजा कर रहे हो। तो गिर जाने के बाद कुछ वो बलात गिरती है, कच्ची गिरी जो गिरती है ना वो तूफानों में या फिर ऐसे विशेष परिस्थितियों में गिरती है, तो वो कुछ काल तक के सचित तो रहेंगे। तभी तो ये अतिचार बता रहे हैं, पद्म पत्र आदि पर, केले के पत्ते पर रखे हुए, ताजे पत्ते पर रखे हुए वन भोजन सामग्री साधु को देने से देने वाले को अतिचार रखते हैं, ये कारण। और ये पक्व की बात हुई, काल पक्व और अग्नि पक्व। प्रत्येक वस्तु अग्नि पक्व नहीं हो सकती। अब जैसे उदाहरण के लिए आचार्य अमृतचंद सूरी ने कहा है कि अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास के दिन आपको प्रासुक द्रव्यों से पूजा करनी है, और फिर उसके दूसरे दिन भी आपको सवेरे जो है प्रासुक द्रव्यों से ही पूजा करनी है, यानी नवमी को भी और अमावस्या या पूर्णिमा को भी आपको प्रासुक द्रव्यों से ही पूजा करनी है। तो प्रासुक द्रव्यों से पूजा करने में अगर प्रासुक आप अग्नि पर पके हुए को ही प्रासुक मानेंगे तो फिर वो जो अक्षत है उसके अंदर उसका क्या होगा, सोचो आप। अक्षत को अगर आप अग्नि पर पकाएंगे तो वो भात बन जाएगा, पानी डालकर पकाएंगे तो, क्योंकि पक्व शब्द है यहां पर, तप्त शब्द नहीं है। अगर वो प्रासुक अग्नि पक्व ही प्रासुक है ऐसा अगर एकांत करते हैं तो जो तप्त को या फिर अन्य इसमें जो जितने भेद बताए जा रहे हैं प्रासुक के उनको गौण करके केवल एक को ही मानते हैं अग्नि पक्व, बस वही प्रासुक है। अगर ऐसा एकांत करते हैं तो ये समस्या आती है। ठीक है, जल तो अग्नि पक्व हो जाएगा, आग पर उसको तपा लोगे, गर्म कर लोगे तो वो तो हो गया। फिर जल के बाद और कौन से द्रव्य हैं? आठ द्रव्यों के बारे में आप कल्पना करके देखो कि आग पर पकाने से क्या दशा होगी सबकी। फिर तीसरा जो बताया वो सुक्कम, सूखा हुआ कोई पदार्थ है। पर हमने पहले कहा था कि जो जो गीली चीज है वो सब सचित है ऐसा लक्षण नहीं है। ये तो बता रहा है कि जो सूखी है वो अचित है, वो प्रासुक है। जो गीली है वो अप्रासुक ही है ऐसा नहीं लगा। गीली अप्रासुक और प्रासुक दोनों हो सकती है। लौकी जो है वो आपने वहां से खेत से लेकर के आया, वो सचित है,
एक कालावधि तक वो सचित है, लेकिन आपने सब्जी बना ली, अब सचित है कि अचित है? अग्नि पक्व कर लिया तो अब वो अपरासुक हुई कि नहीं हुई? नहीं, सब्जी बनाने की झोंक देने से पहले भी वो टुकड़े कर दे ना, तो भी वो अचित हो गई, अचित नहीं है। इतने टुकड़े हो गए वो अभी उसके उसकी चर्चा आ रही है, आगे आ रही है। अभी अपनी ये बात कर रहे हैं कि सूखी और गीली की बात कर रहे हैं, तो लौकी तो मुंह में डालने में पर भी गीली रहती है, तो अगर आप गीले को सचित मानोगे तो फिर आप क्या खाओगे? फिर तो गीलापना सचित्त का लक्षण नहीं है, ये हमारा कहना है। लेकिन सूखा हो गया तो फिर अचित है, ये यहां पर लक्षण दे दिया। फिर अब क्या कह रहे हैं? तत्तम पक्कम सुक्कम। अब तीसरा चौथा प्रासुक जो है, अम्बिल लवणी ही मीसियम दफम। अम्बिल का अर्थ होता है खटाई, अम्बिल को संस्कृत में आम्ल कहेंगे, आम्ल यानी एसिड। तो साइट्रिक एसिड हो, एस्कॉर्बिक एसिड हो, आंवले वाला नींबू वाला साइट्रिक एसिड होता है, तो और लवणी ही, लवणी मतलब कि नमक, लवण का अर्थ नमक होता है, सेंधा नमक। और बहुवचन दिया है, उपलक्षण न्याय से इसमें मिर्च मसाले सब ले लेना। इन सब से भली भांति जो मिश्रित हो चुका है वो पदार्थ भी प्रासुक कहा गया है। और अंतिम प्रासुक कौन सा है? जब जनते हैं या छिन्न, और जो यंत्र द्वारा काटा गया है, जो यंत्र द्वारा काटा गया है, जैसे किसनी से आप लोग वो करते हैं ना, ककड़ी है, नारियल है, उसका नीचे आंवला है, उसको बारीक छूना बोलते हैं ना, उसको वो बना देते हैं आप, वो प्रासुक है। यंत्रेण छिन्नम तम सबम हास्यम भड़ी, वह सब प्रासुक कहा गया है। इसके बाद एक बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य महाराज कि जो सचित्त का भक्षण नहीं करता वो उसको अन्य किसी के लिए भक्षण कराना भी उचित नहीं है। यानी सचित्त न खाने वाले को सचित्त खिलाने का निषेध कर रहे। भुत्तस भोजदस ही न तेसो जदो कावको भी। जदो यानी क्योंकि, भुत्तस खाने वाले में और भोजदस ही और खिलाने वाले में, नथी विश्व दे को भी विश्वसो नथी, कोई भी अंतर नहीं है, खाने वाले खिलाने वाले में कोई अंतर नहीं। इसलिए जिसने त्याग किया इसका वो दूसरों को ना खिला, वो जो खाता है खुद। अभी पाक कला नाम की भी तो कला है ना, 72 कलाओं में, नारियों की 64 कलाएं होती है, पुरुषों की 72 कलाएं होती है। तो फिर आपको अगर रसना इंद्रिय को प्रिय लगने वाली इष्ट वस्तु चाहिए हो तो फिर उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ केवल इतना ही कहा जा रहा है कि आप वनस्पति कायिक का सेवन त्याग कर देंगे पांचवी प्रतिमा में, और दूसरों को भी नहीं कराएंगे उसका सेवन। फिर एक गाथा और लिखिए, जो वज्जे सचित्तम दुज्जे जिहावणि जिया तेण दैभावो हो दिकियो जिणवयण पालियम तेण। अब क्या होता है कि
जो सचित्त का त्याग कर देते हैं उनके द्वारा जिह्वा वश में होने लगती है, जिह्वा इंद्रिय उनके द्वारा वश में हो जाती है। तो ये समझ लो कि जिनने सचित्त का हमेशा के लिए त्याग कर दिया वो अपनी जिह्वा इंद्रिय को जीत लेते हैं, और दया भाव हुई क्यों, और दया भाव भी उनके द्वारा आचरित हो जाता है, क्योंकि वो जीवित वनस्पति का सेवन नहीं कर रहे तो दया का भी आचरण उसमें पालित होता है। और जिन वर्णय वर्णम पालियम तीन, और जिन वाणी का भी वो पालन कर लेता है पांचवी प्रतिमा से। जीव दया, जिन वाणी कहती है कि जीव दया करो, तो बस वो उसका पालन हो जाता है, उसकी रक्षा होती है जिन वाणी की। तो ये पांचवा स्थान था। सचित निवृत्ति इसका नाम, सचित त्याग भी इसको कहते हैं। इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है, कोई बात छोटी हो कोई बात अधूरी हो? एक मिनट, ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि जो चीज काल पक्व रूप से अपने को मिल रही है वो अपने आप में अचित है और उसमें वनस्पति कायिक जीव नहीं है, तो उसको छिन्न भिन्न करने की क्या आवश्यकता है? उसका समाधान ये है कि वो अभिप्राय पर निर्भर करता है। अगर कोई ये मानता है कि उसके अंदर जीव है और फिर मैं छिन्न भिन्न करूंगा तो वो निर्जीव हो जाएगी और तब मेरे सेवन योग्य होगी क्योंकि मेरा सचित्त का त्याग है, तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि वो दया मूर्ति होता है सचित्त विरत। वो अपने खाने के लिए उसको जीवित मानकर अगर उसका विनाश करेगा, उसको छिन्न भिन्न करेगा, तो फिर वो खाने के लिए, सेवन के लिए, आरंभ के लिए नहीं, सेवन के लिए, तो वो कौन सी हिंसा होगी? संकल्प हिंसा होगी या फिर आरंभ हिंसा होगी? ये सोचने की बात है। तो वो जो पका हुआ फल है वो वस्तुतः अचित है, लेकिन उसका छेदन भेदन इसलिए किया जा रहा है कि वो फल अपन पूरा मुंह में डाल करके खा नहीं सकते, उसको खाने योग्य बनाने के लिए वैसे उसकी पर्याय बनानी पड़ती है, तो इसलिए उतना आरंभ किया जाता है कि उसमें औजारों के माध्यम से उसको उसके टुकड़े बनाए जाते हैं या फिर उसमें से रस निकाला जाता है, जो कुछ भी किया जाता है। ये बात है। और कुछ? और जो रस निकल आता है वो जंतेणे छिन्नम, यंत्र छिन्न कहलाता है। तो जो रस निकल गया, रस जो होता है वो जीवित नहीं होता, रस तो प्रासुक ही होता है। ये बात अलग है कि किसी की प्रकृति के लिए कोई रस शीत वर्धक हो तो उसको किसी गर्म पात्र में डाल करके उसकी जो विधि करते हैं कि उसकी शीतलता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, ऐसा कोई उपाय कर लेते हैं, वो एक अलग विषय है। उसमें भी अभिप्राय ये नहीं है कि इस रस को मैं प्रासुक कर रहा हूं, ये अभिप्राय नहीं है। रस तो पूर्व में प्रासुक है, बस उस रस को थोड़ी उष्णता प्रदान करके स्वास्थ्य के अनुकूल बना लेते हैं। जैसे कोई अनार का रस है या फिर गन्ने का रस है या कोई भी रस है, नारियल का पानी भी है, कभी किसी को नुकसान करता है, कफ प्रकृति वालों को कभी कभी उससे खांसी चलने लग जाती है, बहुत कफ निकलने लगता है, तो उनके लिए क्या करते हैं, तो उसको एक खाली पात्र है उसको उष्ण करके उसमें ऐसे डाल देते, थोड़ा थोड़ी सी आवाज आती है बस डालते, ऐसी बस आवाज होती फिर शांत। तो उसका जो हानिकारक प्रभाव था वो दूर हो जाता है,
और उसका सेवन करने पर उसको स्वास्थ्य में लाभ हानि होती। ऐसा ऐसा क्रम है सचेत त्याग, क्योंकि सचेत त्यागी को दयामूर्ति कहा है, और दयामूर्ति जो होता है घात करने वाला दयामूर्ति नहीं कहलाता। ये बात समझने की। यहाँ तो सचित त्याग प्रतिमा में सेवन का निषेध, अर्पण का निषेध नहीं है, और सचित पुष्पों का अर्पण केवल उपवास के दिन, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, प्रोषद उपवास व्रति के लिए वर्जित है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सचित द्रव्यों से पूजा करने में आपत्ति नहीं है। सचित त्यागी जो है ना करे ऐसा नहीं है, वो भोजन ना कराए किसी को। उसमें क्या लिखा गाथा में, भुक्तस्य भोजितस्य, तो पूजा करना क्या भोजन करा रहा है क्या अपन भगवान को, तो उसकी चर्चा नहीं है वहां पर। सचित त्याग जो है वो केवल अपने भोजन से ही संबंधित है, वहीं तक उसकी सीमा है। तो सीमा का उल्लंघन करके अपन उसको वहां पर पूजा की क्रिया में कैसे जोड़ सकते हैं। पूजा की क्रिया सम्यक्त क्रिया है, भोजन की क्रिया सम्यक्त क्रिया है क्या, तो फिर कैसे इन दोनों क्रियाओं को अपन जोड़ सकते हैं एक दूसरे से, नहीं जोड़ सकते। औषध बनाने के लिए तुलसी आदि कोई भी पत्ते तोड़कर तुरंत उसकी औषध बनाकर, देखिए औषध और भोजन में भी अंतर है। औषध का उद्देश्य अस्वस्थता को निवारित करना होता है, इसलिए औषध की व्यवस्था अलग होती है। और तो भी वो तो सचित्र त्यागी जो है वो सचित्र रूप में वैसे औषध लेगा भी नहीं। जो भी चीज मुंह में जाने वाली है वो सचित्र नहीं लेगा, तो वो औषध जो है उसके सेवन में अगर आ जाए अचित्त की हुई तो औषध रूप में वो ले सकता है। और फिर आचार्य बताएंगे कि ऐसी स्थिति में आचार्य कोई प्रायश्चित भी होता है, जैसे पांचवी प्रतिमा वालों को कोई तुलसी के पत्ते से बनी दवाई खिला दी, एकदम ताजा पत्ता था, वो सचित्त था, लेकिन उसको पीस करके उससे या फिर काढ़ा बना करके उसको दिया गया, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है ना। मुनिराजों के लिए होता है, प्रतिक्रमण में हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, प्रतिक्रमण में बहुत सारा प्रायश्चित है। प्रतिक्रमण का अर्थ अगर कोई समझ लेना तो बहुत बड़ी बात है। कितने प्रकार के दोष हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार अभोग अनाभोग, कितने प्रकार के दोष हैं। तो इस तरह अभी इतना ही रखे हैं आज, क्योंकि सचित्त का वर्णन था और अचित्त का परिचय था। अब प्रासुक सलिल, सलिल के बारे में बताया कि रत्नवाला का जो श्लोक था, मुहूर्तम गालितम तुयम, गाला हुआ जो पानी है, छाना हुआ जो पानी है, एक मुहूर्त के लिए निर्जंतुक है, उसके आश्रित जीव भी नहीं है और फिर उस जल कायिक जीव भी नहीं है। पर क्या है कि पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये चार ऐसे स्थावर हैं कि यदि ये काय रूप भी हो तो उसमें नवीन जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। अग्नि काय है, उसमें अग्नि काय जीव आ सकते हैं, इसीलिए इसको धातु का, धातु का दधाती इति धातु, जो नए जीव को धारण कर सकता है उसको धातु कहते हैं। पानी है, मर्यादा खत्म हो गई, इसमें नए जल का एक जीव आ जाएंगे। वनस्पति के साथ वो स्थिति नहीं है, लेकिन चार के साथ ये स्थिति, पृथ्वी में भी स्थिति है, पृथ्वी में दोबारा जीव आ सकते हैं। ये गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की विंध्यगिरी है, तो विंध्यगिरी कितनी बड़ी चट्टान है और कठोर पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष है,
और ये क्या 22,000 वर्ष है क्या ये पहाड़? 1,000 साल नहीं, मूर्ति 1,000 साल की है, लेकिन ये पत्थर कब से है कोई जानता ही नहीं कब से। तो क्या वो जीव बदलेंगे नहीं? बदल ही जाएंगे। तो धातु है वो, धातु यानी यहाँ पर मेटल वाली धातु को नहीं कह रहे, यहाँ पर चार स्थावरों को धातु कह रहे कि उनमें जीव परिवर्तित होते, ये बात है ठीक है। कौन सी मूर्ति बनाई है खोद करके बनाया? तो ये चित्त ही सच्चे मूर्ति पत्थर पड़े हैं पत्थर पे वो उसमें हम लोग वो तो सच हम समझ सकते हैं, इसको कैसे ऐसे तोड़ के बना दिया? बस सुनिए ना, इससे ठीक हो जाएगा। अभी अपन पूर्ण कर लेते हैं ना इसको। जय नम जयतु शासन आचार्य जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा हुआ तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूरा चैन गुरु को गुरु प्रसाद तो भाव पूजा वंदना सो समेत शुद्ध भक्ति का अवसर करें। इच्छा कर महाराज जी।